भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। देश के ज्यादातर राज्यों में हीट वेव नहीं रहेगी। आईएमडी ने बुधवार को पूर्वानुमान लगाया कि पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि महाराष्ट्र तट, गोवा और कर्नाटक में इस दौरान भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 27 जून से 30 जून के बीच असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में कई जगहों पर 28 से 30 जून के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 27 और 28 जून को अलग अलग स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्काईमेट वेदर सर्विसेज के महेश पलावत के अनुसार मानसून के 29 या 30 जून को दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में मानसून का आगमन आमतौर पर 27 से 29 जून के बीच होता है। मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात के बचे हिस्से, मध्य प्रदेश के बचे हिस्से, पश्चिम बंगाल का बचा हुआ एरिया, झारखंड के बचे हुए क्षेत्र, बिहार, राजस्थान के बचे क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के एरिया में अगले 3 से 4 दिन में मानसून पहुँच सकता है। राजधानी दिल्ली में इस वीकेंड यानी 29 और 30 जून को मानसून एंट्री ले सकता है। राजधानी में मानसून आने का सामान्य समय 27 जून है। इस बार मानसून अपने तय समय को मिस कर रहा है। हालांकि इसके आने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। मानसूनी हवाएं दिल्ली में नमी बढ़ा रही हैं। घने काले बादलों ने धूप की तपिश को कम कर दिया है। हालांकि उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने 28 और 29 जून को येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जून को भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 70 mm बारिश में राजधानी पूरी तरह जलभराव की स्थिति हो जाती है। इसके बाद भी 1 जुलाई को मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। ये हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, द्वारका और कच्छ और दीव के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। साथ में थंडर स्टॉर्म की भी वार्निंग है। और डे टू की बात करेंगे तो डे टू के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका और गिर सोमनाथ के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है डे वन से लेके डे सेवन तक, उन डिस्ट्रिक्ट में मतलब गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सारे और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो फिशरमैन आज के लिए पूरे एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड स्पीड होगी वो 35 से 45 के KMPH और साथ में गस्ती 55 KMPH के रहने गस्ती विंड रहने का पूर्वानुमान है। अहमदाबाद में क्या रहेगा? अहमदाबाद में आज लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। कौन से सिस्टम के कारण बारिश? अभी एक सेंट्रल गुजरात पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण आज जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग और तापी। और सौराष्ट्र और कच्छ के लिए जहां पर आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव के लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। देश के ज्यादातर राज्यों में हीट वेव नहीं रहेगी। आईएमडी ने बुधवार को पूर्वानुमान लगाया कि पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि महाराष्ट्र तट, गोवा और कर्नाटक में इस दौरान भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 27 जून से 30 जून के बीच असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में कई जगहों पर 28 से 30 जून के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 27 और 28 जून को अलग अलग स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्काईमेट वेदर सर्विसेज के महेश पलावत के अनुसार मानसून के 29 या 30 जून को दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में मानसून का आगमन आमतौर पर 27 से 29 जून के बीच होता है। मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात के बचे हिस्से, मध्य प्रदेश के बचे हिस्से, पश्चिम बंगाल का बचा हुआ एरिया, झारखंड के बचे हुए क्षेत्र, बिहार राजस्थान के बचे क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में अगले 3 से 4 दिन में मानसून पहुंच सकता है। राजधानी दिल्ली में इस वीकेंड यानी 29 और 30 जून को मानसून एंट्री ले सकता है। राजधानी में मानसून आने का सामान्य समय 27 जून है। इस बार मानसून अपने तय समय को मिस कर रहा है, हालांकि इसके आने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। मानसूनी हवाएं दिल्ली में नमी बढ़ा रही हैं, घने काले बादलों ने धूप की तपिश को कम कर दिया है। हालांकि उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने 28 और 29 जून को येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जून को भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 70 mm बारिश में राजधानी पूरी तरह जलभराव की स्थिति हो जाती है। इसके बाद भी 1 जुलाई को मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। ये हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, द्वारका और कच्छ और दीव के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है। और डेटू की बात करेंगे तो डेटू के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका और गिर सोमनाथ के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं डेवन से लेके डे 7 तक, उन डिस्ट्रिक्ट में मतलब गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सारे और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो फिशरमैन आज के लिए पूरे एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है और जो विंड स्पीड होगी वो 35 से 45 के KMPH और साथ में गस्ती 55 KMPH के रहने गस्ती विंड रहने का पूर्वानुमान है। अहमदाबाद में क्या रहेगा? अहमदाबाद में आज लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। कौन से सिस्टम के कारण बारिश? अभी एक सेंट्रल गुजरात पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण आज जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग और तापी, और सौराष्ट्र और कच्छ के लिए जहां पर आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव के लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।